हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीजे आर्टीरियर। एज यू ऑल नो, ये फेस्टिवल का मंथ है, इसमें काफ़ी सारे पर्व मनाते हैं। सो इसी मंथ में एक और फेस्टिवल आता है, वो है गणेश चतुर्थी। ये पर्व को हम काफ़ी एंथुजियाज्म के साथ सेलिब्रेट करते हैं साथ मिलके, बट इस COVID-19 की वजह से हम लोग घर पे ही रहेंगे और घर पे रह के ही सेलिब्रेट करेंगे। सो टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट गणपति डेकोरेशन, जो बहुत ही क्विक है, वेरी इजी है एंड बजट फ्रेंडली भी है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विद डेकोरेशन 1। सबसे पहले हमको दोनों तरफ एक खिली से दो डोरी को बांध लेना है। उसमें से एक डोरी में सीरीज को इस तरह से लटका देना है बैक लाइटिंग के लिए, और उसके ऊपर हम पिंक कलर का कपड़ा इस तरह से रखेंगे जो थोड़ा सा सेमी ट्रांसपेरेंट टाइप का हो, उसमें से लाइट अच्छी दिखेगी इस तरह से। उसके बाद उसके ऊपर एक लेयर करेंगे हम, सेमी ट्रांसपेरेंट दुपट्टा है व्हाइट कलर का, उसको हैंग करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। नीचे की प्रिंट को नीचे इस तरह से रखा हुआ है। अभी हम डेकोरेशन के लिए पीपल के पत्ते, एक डोरी और इसे कार्डबोर्ड या चार्ट पेपर से कोई भी एक शेप कट कर लीजिए। अभी ये पीपल के पत्ते हैं, उनको हम टाई करेंगे इस तरह से, सिंपल एक नोट बनाना है। इसको इस तरह से हम हैंग करेंगे अलग अलग हाइट पे इस तरह से। बीच का जो पोर्शन है वहां पे मैंने तीन पत्ते लिए हुए हैं, क्योंकि उसके नीचे गणपति जी को बिठाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट, बैकलिट के साथ बहुत ही सुंदर दिखता है। अभी हम बैकड्रॉप के लिए जो पेपर लिया था वो लेंगे, थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए ताकि उसके ऊपर सेटल हो सके। इस तरह से पत्ते की डंडी काट के इसको अरेंज कर ले इस तरह से, दो ऊपर की साइड, दो नीचे की साइड, और फ्रंट वाला लास्ट में लगाना है। अभी ये सब पत्ते को ग्लू की मदद से चिपका देना है। एंड यू कैन सी गाइस, बैकड्रॉप कितना सुंदर लग रहा है। इन बैकलिट भी हल्की हल्की आ रही है, दिस इज लुकिंग अमेजिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डेकोरेशन नंबर 2। सो इसमें भी हमने लास्ट अरेंजमेंट ऐसे ही रखा है, उसके ऊपर मरून कलर का साटिन का कपड़ा यूज़ कर रहे हो। एंड डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के कपड़े आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो आप डिफरेंट कलर के फॉल, जो साड़ी के फॉल आते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं और इसको इस तरह से अरेंज कर सकते हो लाइक दिस। हमको अलग अलग हाइट पे अलग अलग कलर के कपड़ों को हैंग करना है इस तरह से, तो एक पर्टिकुलर पैटर्न निकल के आएगा। सो दिस पर्टिकुलर कलरफुल पैटर्न इज लुकिंग ब्यूटीफुल। एंड बीच के जो पोर्शन है उसमें नेट का ऐसे कपड़ा बीच में से पकड़ोगे तो एक घूंघट टाइप का निकल के आएगा, उसको हमको क्लीन अप कर देना है। This is looking unique idea. Same मैंने pink color के कपड़े के ऊपर भी try किया था, that was also awesome. Let's make Ganesha from paper leaves.
सेम जो हमने बैकड्रॉप बनाया था वही पैटर्न से फॉलो करना है इस तरह से, बट ऊपर का जो पत्ता था उसको हम इस तरह से उल्टा करेंगे और जो एक पत्ता होता है उसको काट के दो डिवाइड करके कान बना लेंगे और एक मुकुट के शेप में कट कर लेंगे। सो आइज बनाने के बाद दिस इज लुकिंग वेरी यूनिक एंड ब्यूटीफुल गणेशा। सो फाइनली हम देख लेते हैं कैसा दिख रहा है हमारा डेकोरेशन। So guys, this is all about today's video and I hope you like my ideas of decoration, and if you like my ideas let me know in the comments and don't forget to like, share and subscribe, and this is the festival of Maharashtra, so let me tell you tumhala cha tumhala kutumbiyana Ganesh Chaturthi cha hardik shubhechha. So Ganpati Bappa Moriya, enjoy the festival, stay home, stay safe, bye bye.